राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। मैं डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी से आज इस लाइव इंटरैक्टिव सेशंस में अपने विद्यार्थियों से जो रूबरू हूँ, प्रमोशन ऑफ इंटरमीडिएट या सेमेस्टर ईयर या सेमेस्टर्स या ईयर बेस्ड स्टूडेंट्स के जो प्रमोशन की सुविधा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दे रखी है, जो कि COVID-19 की वजह से जून 2020 में जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे, जून 2020 की जो सत्रांत परीक्षा जो हमने सितंबर अक्टूबर माह में कराई थी उसमें परीक्षा नहीं दे पाए थे, कौन कौन से विद्यार्थी इस सुविधा के अंतर्गत प्रमोट किए जा सकते हैं। तो जो अक्सर विद्यार्थियों का सवाल हमारे पास आते हैं और हम उन सवालों को लेकर के अपने विद्यार्थियों से अक्सर चर्चा करते हैं, तो आज हमने एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन रखा है जिसके तहत विद्यार्थी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और कुछ जो सामान्य तरीके के प्रश्न हैं जो विद्यार्थी हमसे पूछते हैं उन सवालों का हमने संकलन किया है और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे कॉमन सवाल आता है कि इस प्रमोशन या इस प्रमोट होने की जो सुविधा जो विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही है इसके लिए कौन कौन से छात्र अर्ह हैं और उसका आधार क्या है। देखिए, ये सुविधा यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के विद्यार्थियों को दी गई है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इसमें शामिल नहीं है। यूजी और पीजी जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा है। उसमें कुछ खास तरीके के प्रोग्राम जो कि एंट्रेंस बेस्ड हैं, जैसे बीएड, बीएलआईएस, इस तरीके के प्रोग्राम या बीकॉम सीए एंड ए, जो कि एक खास संस्था के तहत के साथ जो हम एमओयू के तहत जो चलाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में सीधे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एक साल का प्रोग्राम करते हैं, जो ICAI या इस तरीके की संस्थाओं के साथ जो कि प्रोजेक्ट मोड में प्रोग्राम्स चलते हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा अवेलेबल नहीं है। बीएड, बीएलआईएस भी शामिल है, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एमसीए, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, इस तरीके के सभी प्रोग्राम्स में और एमए लेवल के ज़्यादातर प्रोग्राम्स में ये सुविधा अवेलेबल है विद्यार्थियों के लिए। तो कौन से छात्र इस कैटेगरी के अंतर्गत इसमें आहार हैं जो इस प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं? तो पहले मैं बताना चाहूँगा अपने विद्यार्थियों को कि जुलाई 2019 में यूजी प्रोग्राम्स के विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें पहले, तो जुलाई 2019 में जिस भी विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एडमिशन लिया हो, क्योंकि वो विद्यार्थी जून 2020 की परीक्षा के लिए अर्ह थे लेकिन वो COVID-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं दे पाए, तो उस तरीके के सभी छात्र जिन्होंने जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर, जिनका एनरोलमेंट नंबर 19 से शुरू होता हो लेकिन फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो उनका जुलाई 2019 में, या सेकंड ईयर में उन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया हो यूजी प्रोग्राम्स के विद्यार्थी, वो इस सुविधा का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए आपको सिर्फ, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपको सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट जमा करने होंगे। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि असाइनमेंट में कोई भी वेवर नहीं दिया गया है। असाइनमेंट आपको उस ईयर का जिसमें भी आप प्रमोशन का लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें आपको असाइनमेंट्स जमा करने ही होंगे, और बस आपको उस परीक्षा जो कि लिखित परीक्षा होती है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, सत्रांत परीक्षा जो है, उससे आपको छूट दी गई है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में अगर आपने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है। तो अगर आप ने फर्स्ट ईयर में आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भर के आपको सेकंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और सेकेंड ईयर के मार्क्स के आधार पर आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा, सेकेंड ईयर के थ्योरी मार्क्स और का एवरेज निकाल करके।
फर्स्ट ईयर का आपको जैसा मैंने बताया कि असाइनमेंट आपको जमा करना ही करना है। और अगर आप सेकेंड ईयर में, आपने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है और इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर के एवरेज मार्क्स के आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा और सेकेंड ईयर का भी आपको असाइनमेंट जरूर जमा करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि असाइनमेंट में कोई भी वेवर नहीं दिया गया है। और ख़ास बात ये इस प्रमोशन की कि लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा देनी ही है, किसी भी लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए प्रमोशन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। अब एक सवाल अक्सर बच्चों का आता है कि क्या हमको प्रमोट होने के लिए उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा? जी नहीं, जिस भी ईयर में आप प्रमोट होना चाह रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, उसका आपको एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना होगा यूजी प्रोग्राम्स में। और पीजी प्रोग्राम्स में सिर्फ फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के को ही, जिनका जो फर्स्ट ईयर में लाभ लेना चाहते हैं उन्हीं के लिए सुविधा अवेलेबल है। सेकंड ईयर यानी फाइनल ईयर जो पीजी प्रोग्राम्स हैं उनके विद्यार्थियों को परीक्षा देनी ही होगी, जो जुलाई 2019 में जिन्होंने फाइनल ईयर में एडमिशन लिया था उनको ये परीक्षा देनी ही होगी। और जहाँ तक सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स की मैं बात करूँगा, तो जनवरी 2020 में जिस भी विद्यार्थी ने बीसीए या एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर तक में एडमिशन लिया होगा, उन विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा अवेलेबल है। जैसे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है जनवरी 2020 में, तो आप जब सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे, सत्रांत परीक्षाएं, असाइनमेंट आपको सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स में भी जमा करने हैं बी सी एम सी ए में, जिस भी सेमेस्टर में आप प्रमोट होना चाह रहे हैं, बस आपको उसके नेक्स्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने लिए, फर्स्ट सेमेस्टर में लिया है, तो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं जब भी आप देंगे तो उसके एवरेज मार्क्स के आधार पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद के सेमेस्टर्स में, यानी सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर्स में अगर आप लेना चाहते हैं, तो उससे एक पहले सेमेस्टर की जो एवरेज मार्क्स होंगे उसके आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा। अब एक सवाल आता है कि आपने अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है और आप सेकंड ईयर में प्रमोट होना चाह रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब भी वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे, तो उस एग्ज़ाम्स के आधार पर, एवरेज आधार पर, जब भी वो आपका फर्स्ट ईयर, जैसे आपका असाइनमेंट और एग्ज़ाम जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो उसके एवरेज आधार पर आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। सेमेस्टर बेस में भी, बी सी एम सी में भी यही नियम है कि अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में प्रमोट होना चाह रहे हैं और आपने इससे पहले का किसी में भी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी एक में अगर आप प्रमोट होना चाह रहे हैं और इससे पहले सेमेस्टर का आपने परीक्षाएँ नहीं दी हैं या एक आध पेपर की, कोर्स की परीक्षा नहीं दी है, तो जब भी आप वो देंगे और जब भी वो उस सेमेस्टर या उस ईयर का रिजल्ट कंप्लीट होगा, तो उसके एवरेज आधार पर आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और जैसा विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, तो नहीं। और जब भी प्रमोशन, जिस भी ईयर में, हाँ, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने होंगे, असाइनमेंट भी जमा करने होंगे और आपको वो परीक्षा भी देनी होगी, तब आप उससे पहले ईयर या उससे पहले सेमेस्टर की परीक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि री रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या नए नामांकन के समय बनाया गया लॉगिन आईडी और पासवर्ड मान्य होगा? जी नहीं, री रजिस्ट्रेशन के लिए इग्नू द्वारा समर्थ पोर्टल के तहत ignu.samarth.edu.in पर री रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, या आप इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक में जा करके री रजिस्ट्रेशन लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के तहत आपको इंटर करना होगा। आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका लॉगिन आईडी है, और अगर आपको उसमें कोई समस्या आती है तो आप rcvaranasi@ignu.ac.in पर ईमेल करके आप अपना री रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड जनरेट करा सकते हैं। वो हम आपको, आपको उसके लिए अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको हमें उपलब्ध कराना होगा, तो हम आपके लिए वो पासवर्ड जनरेट कर देंगे, अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी असुविधा आ रही है तो। एक सवाल आता है कि जून 2020 सत्र के लिए जो परीक्षा शुल्क दिया था, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? तो
जून 2020 सत्र में अगर आपने परीक्षा शुल्क दिया था, एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर तक, जो भी जैसे अभी फरवरी में है, तो वो हम उसमें आपका वो परीक्षा शुल्क एडजस्ट हो गया, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म भरना था और वो उसमें आपसे परीक्षा शुल्क नहीं मांगा जाता और वो आपका एडजस्ट हो गया है। एक सवाल विद्यार्थियों का और अक्सर आता है कि जुलाई 2019 या जनवरी 2020 में फाइनल ईयर सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन कराया था, क्या मैं प्रमोशन के लिए योग्य हूँ? तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं तो फाइनल ईयर में एडमिशन, फाइनल ईयर में प्रमोशन की सुविधा या सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर में प्रमोशन की सुविधा विद्यार्थियों के अवेलेबल नहीं है। यूजी प्रोग्राम्स के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ही, जिन्होंने जुलाई 2019 में, और पीजी प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों के लिए ही ये सुविधा अवेलेबल है। और इसी तरीके से सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स में BCA, MCA, MP में लास्ट सेमेस्टर में सुविधा अवेलेबल नहीं है। अगर इससे पहले के सेमेस्टर में आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है तो आपके लिए सुविधा अवेलेबल है। और इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अगर आपको सारे पेपर अगले जून 2021 की परीक्षा में पास करने हैं, जब भी वो पास करेंगे आप, तो आपका उससे पहले के सेमेस्टर या ईयर में आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। जब भी वो सारे पेपर असाइनमेंट सीट आपका वो ईयर या सेमेस्टर कंप्लीट होता है, तो आपके उससे पहले के सेमेस्टर में एवरेज मार्किंग के आधार पर उसमें आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और जैसे कि कुछ सब बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर, जो एग्ज़ाम फॉर्म भर चुका है उसका प्रमोट क्या होगा? अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर रखा है तो अगर आप ये प्रमोशन की सुविधा के साथ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रमोशन की सुविधा उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो ये सुविधा लेना चाहते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में, आपको ये अवेलेबल है परीक्षा, आपने जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और ये आपके लिए अवेलेबल है ये प्रमोशन की सुविधा। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, दोबारा एग्ज़ाम दे करके आप इसको पास कर सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो आप एग्ज़ाम दे करके इसको पास कर सकते हैं। अगर आप इस सुविधा लेना चाहते हैं तो जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उसकी फीस आपके नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर में एडजस्ट हो जाएगी, तो वो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। वो फीस आपके नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए एडजस्ट हो जाएगी। जब भी आप वो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा कि अगर आप अपने चेंजेस करना चाहते हैं, आपने जैसे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का कोई पेपर्स भर रखे हैं, तो आप उसको चेंज करके आप जो नई परीक्षा आप देना चाहते हैं उसके कोर्सेज भर सकते हैं। और आप जैसा एक विद्यार्थी ने पूछा है कि PGDDM को भी प्रमोट किया गया है क्या, मैंने जैसा पहले बताया कि सर्टिफिकेट और किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा प्रोग्राम में ये प्रमोशन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और एक विद्यार्थी का सवाल है कि आई हैव टू अपियर फॉर वन कंपलसरी पेपर BCS 012 विच इज़ कंपलसरी फॉर MCA स्टूडेंट हु डोंट हैव मैथ्स इंटर, व्हेन आई विल बी प्रमोटेड, और राइट नाउ आई एम इन MCA फिफ्थ सेमेस्टर। अगर ये कंपलसरी पेपर है तो ये आपको इसकी परीक्षा देनी होगी। ये अगर कंपलसरी पेपर है तो इसमें आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक कोर्स की बात है तो इसको आपको देना होगा। सर, BAG सेकेंड ईयर का स्टडी मटेरियल कब आएगा? स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सवालों के लिए आप डिस्पैच स्टेटस में, इग्नू के डिस्पैच स्टेटस में जा करके, RC वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। और सर, एक विद्यार्थी का सवाल है कि सर, सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म जून 2020 में और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी जनवरी में भरे गए हैं, तो उसमें कैसे प्रमोट होंगे? जैसा मैंने बताया कि अगर आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं तो वही विद्यार्थी इसमें प्रमोट होंगे जो कि जनवरी 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिस भी सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर को छोड़ करके।
अगर आप BCA MCA में किसी सेमेस्टर में आपने फर्स्ट से लगाए फिफ्थ सेमेस्टर तक में एडमिशन लिया है तभी आप प्रमोट होंगे, अगर आपने फाइनल सेमेस्टर में लिया है तो नहीं। और एक बार में सिर्फ आप ये सुविधा सिर्फ एक सेमेस्टर या एक ईयर के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप जिस भी सेमेस्टर में आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है उसी सेमेस्टर के लिए अवेलेबल है परीक्षा, ये सुविधा बार बार के लिए अवेलेबल नहीं है। और कुछ विद्यार्थियों के सवाल हैं एडमिशन कंफर्मेशन से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं 95% से ज़्यादा एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया था। बस कुछ विद्यार्थियों के लिए जिनका प्रोविजनल एडमिशन था और उनकी कोई मार्कशीट या अभी पेंडिंग है उनसे रिलेटेड कुछ अभी पेंडिंग केसेस बचे हुए हैं। अगर आपका कोई भी प्रोविजनल एडमिशन हुआ है तो आप अपने फाइनल ईयर या सेमेस्टर की मार्कशीट हम तक 15 यानी आज तक आप हमें RC वाराणसी पर मेल करके भेज दें, नहीं तो इसके बाद वो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने अपना फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट हमें जमा नहीं की है तो। जैसे PG प्रोग्राम्स के विद्यार्थियों के लिए ये समस्या ज़्यादा आई है कि उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट कंप्लीट नहीं थी और उन्होंने अप्लाई कर दिया था, तो उनसे अनुरोध है कि वो सारी अपनी मार्कशीट अभी जमा कर दें यहाँ पर। और बस इसके साथ ही मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करूँगा। ये कुछ बेसिक सवाल थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रमोशन की सुविधा के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। धन्यवाद।